हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ हेल्थ, यानी कि हमारा हेड केयर अपरेटस जो है मशीन, उसके बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और हम लोग क्यों ना अपने आप को ठीक रखें प्रिवेंशन करके अपने आप को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसको इन्वायरमेंट को बदल नहीं सकते। हम लोग पेस्टिसाइड्स खाना खाते हैं, हमारा रूटीन एकदम अलग है, हम बाहर का खाना जंक फूड खाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए। तो उसमें जो है हम लोग वाइब्रेशन में, रेडिएशन में हम लोग रहते हैं, रेडिएशन से बच भी नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं कि WHO का रिपोर्ट है कि 80% लोग जो है सब हेल्दी हैं, और 15% जो हैं वो मतलब कि कभी बीमार होते हैं कभी ठीक होते हैं, और उसके 5% लोग जो हैं वो पूरी तरह से हेल्दी हैं। 15% एकदम मतलब बीमार हैं मरीज़, और 5% हेल्दी हैं। ये WHO का सर्वे है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस द फॉलोइंग सिम्टम्स? तो ज़्यादातर लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है, फ्रोजन शोल्डर है, वेरिकोज वेन है, रात में नींद नहीं आना, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, माइग्रेन है, बहुत सारी प्रॉब्लम सभी को रहती है। जाहिर सी बात है कि आप इस तरह का दिनचर्या, हमारा डेली का रूटीन ऐसा है तो सभी के साथ ये प्रॉब्लम होता होगा। वेरिकोज वेन है, ब्लड क्लॉट कर गया कहीं पर, और उसके बाद हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं मिल रही है, BP का हाई हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड है। हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन उसमें जो है ठीक से प्रॉपर वे से नहीं हो पाता। हैव यू एवर एक्सपीरियंस द फॉलोइंग सिम्टम्स? जैसा कि पहले बताया वैसे ही चीज़ है कि आपको इस तरह का मतलब सिम्टम्स दिखा, चेस्ट में पेन है, कोलेस्ट्रॉल है, नींद की कमी है, रात में आपको स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ रहा है, इतना टेंशन स्ट्रेस बर्डन है लोगों को, अपने आप पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो है इस तरह का होना लाजिम है, और कोई भी आदमी इससे बच नहीं सकता। तो हम लोग क्या करें ऐसा कि इस चीज़ से बचें, कि हमारे पास ऐसा क्या है ये हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। एक ही चीज़ रहे जो हेयर लॉस हो रहा है, तो हमारे पास हेड केयर अपरेटस है जो मतलब कि जिसमें मोनो चिप लगा हुआ है और 35 मैग्नेट है, और लेज़र से आजकल बड़ी बड़ी मतलब सर्जरी होती है लेज़र से, उसमें लेज़र लगा हुआ है। हमारे बॉडी का जितना भी इम्बैलेंस है वो जो है उसको रिकवर करता है, और PEMF पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर ये काम करता है। इसको आप वेरिकोज वेन में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप जो है जहाँ पर भी पेन रहा, जहाँ पर स्वेलिंग है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जो है क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी में मेरिडियंस चैनल्स होते हैं, ये उन चैनल्स को ब्लॉकेज को खोलता है। ये जो है इसमें दो है, एक सिंपल है वाइब्रेशन, एक पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला फील्ड है जो सप्लाई जो है मैनेजमेंट सिस्टम को करता है। हाईटेक बायोनिक सर्किट इसमें है, जैसा कि मैंने बताया बायोइलेक्ट्रिसिटी, लेज़र मसाज, 3-in-1 फंक्शन। द मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस इन द फिनोमेना ऑफ लाइफ इज, ये बायोइलेक्ट्रिसिटी इसमें है, हमारे बॉडी में बायोइलेक्ट्रिसिटी होती है, पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव उसको मैनेज करता है। द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ह्यूमन सेल्स विथ ए पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन्स एंड द निगेटिव चार्जेस इनसाइड द मेम्ब्रेन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर में और बाहर में दोनों तरफ से एनर्जी जाती है, जो इम्बैलेंस हो जाता है, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है तो वो भी ठीक नहीं है, ये इसको बैलेंस करता है। द रेगुलेटिंग बायोइलेक्ट्रिसिटी द सेल पोटेंशियल डिफरेंसेस कैन बी चार्ज चेंजेस टू स्टिमुलेट्स द बॉडी मेरिडियन एंड नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है। उसके बाद जितना भी जो है रिलीव करता है हेल्थ का प्रॉब्लम, जो भी इशू है, कहीं पर स्वेलिंग है, कहीं पर बहुत पेन है, ये हमारे एनर्जी को जो है बैलेंस करता है। बायोइलेक्ट्रिसिटी को हमारे सारे बॉडी में हर इंसान को बायोइलेक्ट्रिसिटी होती है, सभी जानते हैं। ये इस तरह से चार्जेस करता है इनर साइड और आउटर साइड, पूरे बॉडी में हमारे जो है जितने भी हैं हमारे मेरिडियन चैनल्स होते हैं उस पर जगह जगह पॉइंट होते हैं, एक्यू पॉइंट्स, ये उसको प्रेशर करके वो सारे ब्लॉकेज के नसों को खोलता है। हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस
डेली यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, हर के घर में फ्रिज है, ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है। अपने आराम के लिए, फैसिलिटी के लिए इतने ज़्यादा हम लोग ये हो गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिज़िकल वर्क जो हमारा कम हो गया है। फिज़िकल वर्क कम होने की वजह से बहुत सारी बीमारी आ गई है, हम लोग इतना मेहनत नहीं करते, पहले लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन अभी अब देख रहे हैं कि हर घर में कोई ऐसा घर बचा नहीं जहाँ पेशेंट नहीं है। यही सब वजह है इंक्रीजिंग सेल फोन्स यूज़ वर्ल्ड वाइड। हमारा सेल फोन जो है हर के हाथ में, पूरे वर्ल्ड में देखिए कि जगह जगह, जिससे रेडिएशन है, हर तरह से हमें रेडिएशन मिल रहा है, एनवायरमेंट में सब तरफ रेडिएशन है। जितना भी टावर लगा हुआ जगह जगह, उसमें से रेडिएशन आ रहा है। और एक एक आदमी, बच्चा बच्चा जो है मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गया है। छोटे छोटे बच्चे को देखिए कि बिना मोबाइल के उन्हें खाना नहीं वो खा सकते। वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें मोबाइल चाहिए, खा रहे हैं तो उन्हें मोबाइल चाहिए, पेरेंट्स भी दे देते हैं। बुरी तरह से सभी लोग जिसमें इन्वॉल्व हो गया, पूरी तरह से। वी आर सराउंडिंग बाई पॉजिटिव आयोन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाई कंप्यूटर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, विच वी कैन इम्पेयर ब्रेन फंक्शन, जो है ब्रेन फंक्शन को भी करता है, मतलब अफेक्ट करता है। द इम्यून सिस्टम को कॉजिंग, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी हो रहा है आजकल, देखिएगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ, फैटिग मतलब थकान, हेडेक होता है, सर में दर्द, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। आवर बॉडीज़ आर कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड विद पॉजिटिव आयोन्स ब्राउड, ज़्यादातर पॉजिटिव आयोन्स हमारे बॉडी में जा रहा है। वी हैव क्रिएटेड ए पॉजिटिव आयोन, तो उसको हम लोग ज़्यादा होने से पॉजिटिव आयोन, वो भी ख़तरनाक है। हमारा टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, अदर डिवाइसेस, नॉट टू मेंटेन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी हमारे चारों तरफ है ना, साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, तो मतलब कि इतने सारे सब में जो है अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं वो हमारे बॉडी में किसी न किसी थ्रू जा रही है। हम ज़्यादातर जो है बिस्तर ही पर, बेड ही पर लोग अपना सेलफोन ले कर सोते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इम्बैलेंसी होना आजकल आम बात है कि किसी का फ्लक्चुएट होता है, या तो हाई रहता है या तो लो रहता है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों को आजकल ब्लड प्रेशर का शिकायत हो रहा है। अब ब्लड प्रेशर जो है वो अपने में बहुत हानिकारक है, एक बार बीपी का पेशेंट आदमी बन गया तो ज़िंदगी भर उसका दवा खाना है, मेंटेन करके उसको रखना है, और उसमें आपको ख़तरा भी है, बहुत सारी बीमारी आ जाती है जिस्म में। चेक इफ़ यू हैव दिस फॉलोइंग सिम्टम्स, इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये हमेशा चेक करते रहना चाहिए, नॉन स्टॉप हाइकअप, इन्फ्रीडेंट्री पेन, हमारा जो हिचकी के प्रॉब्लम किसी को थी लगातार, हेडेक, हार्ड फॉर फोकस, बहुत ज़्यादा सर में दर्द, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इंसोमनिया, रात को नींद की कमी, ड्रिमनेस, फ्यूरी और टेटेनियस यानी कि साइनाइटिस के प्रॉब्लम है, हाइपर लिपिडेमिया, उंड अनसल्क्रेशन, टेक लॉन्ग ऑफ कवर, अगर आपको जख्म हो रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप पर ध्यान दें कि ये सारी प्रॉब्लम बायोइलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आपको है, उसका ट्रबल की वजह से हो रहा है। बैलेंस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, हेल्प टू क्लीन द ब्लड वेसल्स ऑफ, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एंट्रोफ्रोसिस, क्लीन ब्लड हमेशा जो है आपका पाइप का जितना भी है ब्लड वो एकदम क्लीन रहना चाहिए, कोई तरह का मतलब डिटॉक्सिफिकेशन हमेशा करते रहना चाहिए, इसके लिए हमें फाइबर लेते रहना चाहिए, और हम अपने आप को बीपी को कंट्रोल रखें, कोई ऐसी चीज़ें नहीं करें, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, हमें टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, ये सब जो है ध्यान देते रहना है। बायोइलेक्ट्रिसिटी हेल्थ फंक्शन, ड्रैगिंग द मेरिडियंस है ना, और रिफाइनिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म, बायोइलेक्ट्रिसिटी का जो है वो क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है और ब्लड को रिफाइन करता है, लोअरिंग ब्लड प्रेशर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल को लो करता है, काम द नर्वस, नर्वस को काम करता है, रिलीफ फैटिग एंड मसल्स पेन, मसल्स पेन में फैटिग में थकान में अच्छा आराम देता है। लो इंटेंसिटी लाइट एट 65 nm नैनोमीटर पर नैनोमीटर, नोन एज द लाइट ऑफ लाइफ, इंटेंसिटी जो है इसका क्या रहता है, लेज़र का 650 mm पर मतलब कि नैनोमीटर है। अप्लाइंग लो इंटेंसिटी लाइट टू ह्यूमन स्किन एंड एक्यूपॉइंट्स कैन रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द प्रॉब्लम टिश्यू में प्रॉब्लम हो सकता है, सेल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ फोटो केमिकल्स रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड विल नॉट काउज टिश्यू डैमेज, तो इसका जो लेज़र जो है इसमें है, देखिए कि
ये दिखा रहा, शो कर रहा ग्राफ, हेल्थ फंक्शन ऑफ लो इंटेंसिटी लेजर रिलीविंग पेन, पेन को रिलीव करता है, एक्सप्रेशन हीलिंग, हीलिंग करता है, इम्प्रूविंग और माइक्रो सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, क्लियरिंग थ्रम्बोसिस जिसको होता है, लोअरिंग ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड का जो थक्का जमना है उसको जो है लो करता है, लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर को लेवल करता है, इम्प्रूविंग सब हेल्थ प्रिवेंट और पैरालिटिक भी इसको भी ठीक करता है, स्किन केयर जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर लॉस को ठीक करता है, लेज़र इसमें जो लगा हुआ लेज़र हमारे हेड केयर में, हेड केयर अपरेटस में जो लेज़र है उसका इतना सारा फंक्शन है कि आपका जो बाल गिर रहा है झड़ रहा है वो ठीक होगा, आपके स्किन के लिए चेहरे पर आप कर लीजिए डेली इसको जो है नीचे से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन मोड में करके 10 बार जो है चला लीजिए दो दिन में सोने के टाइम भी, तो उससे इतना सारा आराम मिलता है क्योंकि उसमें लेज़र है। वाइब्रेशन मसाज हेल्थ फंक्शन ड्रैगिंग द मेरेडियन रेगुलेटिंग ऑफ क्यू आई एंड ब्लड है ना, ब्लड में हमारे ब्लड को हम रेगुलेट करता है, उसका की जो है उसको भी ठीक करता है, रेगुलेट करता है, रिलीविंग फैटिक थकान को दूर करता है, कहीं से बाहर से आइए और हेड केयर कर लीजिए बहुत अच्छा लगेगा, रिफ्रेशनिंग माइंड, माइंड को रिफ्रेश करता है, स्टॉपिंग पेन कहीं पर भी पेन है आप इसको कर लीजिए तो बहुत अच्छे से आराम मिलता है, हमारा पेन जो है वो उससे राहत मिलती है, बहुत थके हुए हैं आए तो उस पर जो कर लीजिए, इसमें दो मोड है, एक कंटिन्यू एक जो सिंपल है और एक कंटिन्यू है पल्स वाला। अब देखिए कि कहाँ कहाँ ये यूज़ कर सकते हैं, अपने आर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, शोल्डर में यूज़ कर सकते हैं, नेक में यूज़ कर सकते हैं, हेड में यूज़ कर सकते हैं, फिट में, पैर में यूज़ कर सकते हैं, लेग में यूज़ कर सकते हैं, बैक में, वेस्ट मतलब कमर में यूज़ कर सकते हैं, एक छोटा सा है, कैरी करने में भी बहुत आसानी है और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पर्स में रखने पर भी, सफ़र में भी आप रख सकते हैं इसको, और देखिए कि कितना अच्छा है, जहाँ भी पेन रहा वहाँ पर आप ऑन करके इसको या तो सिंपल मोड में रखिए या तो पल्स मोड में रखिए। देखिए इतना सारा सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है, सी सर्टिफिकेशन, ROHS सर्टिफिकेशन और पेटेंट सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है, और भी बहुत सारा सर्टिफिकेट है, अगर सर्टिफिकेट की बात हम लोग करने लगे तो इसकी पूरी बुक है सर्टिफिकेट की, जितना इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड मिला है, WHO में, बहुत बहुत IDSA WFDSA सब में इसको सर्टिफिकेट मिला है, हमारे कंपनी का जितना भी जो है ये है अपरेटस है। होल्ड द, देखिए यहाँ पर फिंगर टिप्स को हम जो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी, अब आप अपने फिंगर टिप्स पर रख कर इसको करिएगा तो BP आपका कंट्रोल रहेगा और आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बॉडी का जो है वो बैलेंस रहेगा, उसको ऑन करके उसका जो तिथ बना हुआ है यानी कि पिन उस पर अपना उंगली को चलाइए ऑन करके। सेकंड आप देख सकते हैं हेड मसाज, सर पर रख के किस तरह से मसाज करेंगे उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, इसमें भी ब्लड प्रेशर आपको ठीक होगा, रेगुलेट ब्रेन वेव, इम्प्रूव हेडेक, डिजनेस, इम्प्रूव इंटेलिजेंट और रिफाइन हेयर लॉस, रिपेयर हेयर लॉस, आपके बाल टूट रहा है झड़ रहा है वो ठीक होगा, रात को नींद अच्छी आएगी, आपका सिर दर्द ठीक होगा, आपका ब्लड प्रेशर लेवल ठीक होगा, हमारे सर पर भी जगह जगह मेरिडियंस चैनल्स होते हैं, रोज करके सोइए बहुत अच्छा लगेगा। अब मेरिडियन इन हेड, देखिए 5 तरह से बीच में सेंटर में एक लाइन बना लीजिए, ये जो है माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, क्लीन अप ब्रेन, ब्लड को ठीक करता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर लेवल, इसमें 5 लाइन है, एक सेंटर से देखिए कि लाइनिंग बना हुआ एरो और उसके ठीक इस तरफ कान की तरफ एक इधर एक उधर, राइट साइड एक लेफ्ट साइड और एक जो है सेंटर के बीचों बीच दोनों तरफ, सब मिला के 5 लाइन मेरिडियन चैनल्स होते हैं हेड में, उस पर उसी तरह से करना जैसे फिगर बना हुआ है सर का, 5 हिस्सा में करना है उसको, 10 से 15 बार जो है 20 बार चलाइए सुबह में और रात में सोने के टाइम ऑन करके वाइब्रेशन मोड में, तो बहुत आराम मिलेगा, इतने सारे चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। हार्ट मसाज आप सीना पर रख के इसको कर सकते हैं, लेडीज़ होती हैं वो भी करें, उनको रेगुलेट ब्लड प्रेशर लेवल ठीक होगा, रिलीफ हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट भारी भारी लग रहा है, सीना भारी भारी लग रहा है, जलन है, कुछ भारीपन टैसे लग, उसमें आराम मिलेगा, और जिसको अंजाइना का जो है पेक्टोरीज है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, टाइट लग रहा है सीना एकदम, उन लोगों के लिए बहुत आराम मिलता है, यहाँ तक के हार्ट के पेशेंट लोगों को भी, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को भी ये काम आता है। अब रिस्ट पर करने से क्या होता है, ब्लड वेसल्स को जो है सबको रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर ठीक करता है, बैलेंस करता है बायोइलेक्ट्रिसिटी,
और हार्ट का फंक्शन भी ठीक होता है। ठीक, आप अपने हाथ पर देखिए, चार उंगली छोड़कर आगे बढ़कर इसको रख के, जैसे रखा हुआ पिक्चर में, उसको करिए। और उसको जो है दबा दबा के करने से कम 5 से 10 मिनट की कीजिए तो बहुत आराम मिलेगा। यहाँ तक कि किसी का बीपी बहुत हाई है या लो है, इसको करने से इतना अचानक मतलब मिरक्कल होता है कि आप खुद देखेंगे। स्क्रैपिंग थेरेपी मतलब जिसको बैक में जो है दर्द है, ये दूसरे आदमी से करवाना होगा टू इम्प्रूव द बायोलैक्टिसिटी ऑफ द किडनी। किडनी का जो है बायोलैक्टिसिटी ठीक करता है और हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। एंटी ऑक्सीडेशन का काम करता है। जिसको स्पाइनल का प्रॉब्लम है उस पर पूरा पीछे किसी दूसरे से करवाना होगा, आप लेट जाएं और बैक साइड में पूरे स्पाइनल कॉर्ड पर ऊपर से नीचे तक कर लें। और ख़ासकर लंबर एरिया में भी जिसको दर्द है, कमर में बहुत दर्द है, उसमें बहुत आराम मिलता है। इसको जो है वाइब्रेशन मोड में करके आप दूसरे से करवा सकते हैं। उसके बाद अब देखें बैक मेरिडियन जो है वो दिखा रहा है कि इतने सारे चैनल्स हैं हमारे जिस्म में अंदर में। ये जो है 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं। इस पर करने से क्या क्या होता है, मेरिडियन का जो है ड्रैगिंग करना है, इम्प्रूव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो है इम्प्रूव होता है, फ्लू से भी आप बचेंगे, बैक पेन से आप बचते हैं, थकान हो गया, शोल्डर पेन हो गया, नेक पेन हो गया, उसमें आराम मिलता है। और रेगुलेट द इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन, उसको ठीक करता है। उसके ब्रेस्ट मसाज में भी कर सकते हैं रेगुलेट ब्रेस्ट फंक्शन, ब्रेस्ट फंक्शन को ठीक करता है, रिलीव ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, अगर ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट है तो उसको रिलीव करता है। स्लिमिंग मसाज, इससे क्या होता है कि वेट मैनेजमेंट में हम काम कर सकते हैं, वेट लॉसिंग और बॉडी शेपिंग, बॉडी को शेप बनेगा, जगह जगह जैसे जैसे बना हुआ है, अगर आर्म के पास आपका ज़्यादा मसल्स है तो वहाँ पर करिए, थाई में आपको ज़्यादा मसल्स है वहाँ कीजिए। तो इस तरह से देखिए कि नाभि के ऊपर जो रख कर एंटी क्लॉकवाइज आप जो है जैसा कि पिक्चर बना हुआ है चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक नाभि के ठीक ऊपर चार उंगली ऊपर, उसके बाद उधर से घुमा के ऐसे उल्टा आएंगे जैसे कि घड़ी की सुई जो है घूमती है वो करेंगे डेली, तो उससे जो है हमारा टम्मी जो है वो स्लिम होगा। यहाँ तक के जो है आप देख सकते हैं विस्कोसिटी, ब्लड का थक्का जम गया, नसें हमारे फूल गई, वेरिकोज वेन है उसमें काम आता है, उसको नीचे से ऊपर तक करिए टघारते हुए ऑन करके। स्वेलिंग लेग, लेग में वर्म है उसमें आप कर सकते हैं। क्रैम्प, पेट में दर्द है, ज़्यादातर लेडीज़ को, लड़कियों को दर्द रहता है, उसमें बहुत आराम मिलता है। और उसके बाद रिलीफ पेन, शोल्डर पेन है या तो जैसा कि पहले बताया कमर पेन है, घुटना का पेन है, वहाँ पर डायरेक्ट जो है ऑन करके वैसा मसाज के इसमें करके मोड में आप कर सकते हैं, 10 मिनट में आराम मिलेगा। और ये सारा लेज़र इसमें है, इसमें से जो है मैग्नेट है, इसमें मोनोचिप है, सब मिलके काम करता है। सुटेबल उन लोगों के लिए है जिनको ये सारी प्रॉब्लम है और नहीं सुटेबल है, नॉट सुटेबल है वो को प्रेग्नेंट वोमेन जो हैं वो इन्हें नहीं कर सकती हैं। जिनको हार्ट का जिनका लगा हुआ स्टंट लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है, ओपन सर्जरी जिनका हुआ वो लोग नहीं कर सकते, और जिनका फौरन मतलब सर्जरी किसी तरह का भी हुआ है वो उसी वक्त नहीं कर सकते। और बाकी सब लोग जो जो प्रॉब्लम है, बैक पेन है, जिनको नींद की कमी है, वो लोग कर सकते हैं। और हमारा मसल्स जो है वो ठीक रखना हमें बहुत ज़रूरी है। सारे मसल्स पर हमारे पूरे बॉडी में मेरिडियन चैनल्स होते हैं, इन सब पर करने से बहुत आराम मिलता है। हमारे बॉडी है तो हम हैं, बहुत इनक्रेडिबल हम हैं। अपना वैल्यू समझिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अवेयर रहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी।